अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम चिकन का पकौड़ा लेकर के आए हैं आज आपके लिए। घर के सामान से चिकन का पकौड़ा कैसे बनाएं। आधा किलो चिकन लिए हैं हमने, इसमें 100 ग्राम मैदा डाल रहे हैं और अब इसमें डालेंगे 100 ग्राम दही। ये घर का सामान से हम बना रहे हैं। घर में जो अपन सामान यूज़ करते हैं ना, छोटा मोटा सामान, वो सामान सब इसमें डालेंगे। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 100 ग्राम दही भी डाल चुके हैं, ये नमक 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे, ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये भर के 2 चम्मच डालेंगे, ये नींबू का जूस है, 2 चम्मच नींबू का जूस डाल देंगे। ये 2 चम्मच मीठा तेल जो हम खाने में यूज करते हैं, 2 चम्मच मीठा तेल डाल देंगे। ये फ्रूट कलर है, 2 चम्मच छोटी वाली चम्मच से 2 चम्मच डाल देंगे। इससे क्या होता है, कलर अच्छा आता है, देखने में अच्छा लगता है। तो जो चीज देखने में अच्छा लगे तो ही तो खाने में अच्छा लगता है ना। अब इसको मिक्स करेंगे पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये और आधा घंटा के लिए रख देंगे। ये आधा घंटा हो चुका है, इसको आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, घर का तेल है जो मीठा तेल हम लोग यूज करते हैं, तेल डालेंगे। ये तेल मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक पीस करके डालते जाएंगे, एक एक पीस करके डालते जाएंगे। मसाला को चिकन से मिलाते हुए तेल में डालते जाएंगे। थोड़ा देर के बाद, 2 मिनट के बाद इसको हम पलटी करेंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसको पलट रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम फ्राई कर रहे हैं। कितना ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। इसको आप फ्राई करें, नई वीडियो ये मेरे जब भी हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। देखें तो बहुत अच्छा ये हो रहा है, टेस्टी लगेगा, कुछ बाजार से लाना नहीं पड़ेगा। चिकन फ्राई घर में, इसको एक बार आप ट्राई कीजिए प्लीज। हम लोग बहुत टेस्टी रेसिपी है। थोड़ा सा जो भी सामान है, मैदा तो ऑलरेडी बहुत मेहनत से लाए हैं, ये हम आपके लिए इसको डालते जाएंगे। अभी हो गया ये तैयार, ये हो चुका है, फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल रहे हैं। तैयार हो चुका है, अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं हम प्लेट में। अब ये थोड़ा और बचा हुआ है, इसको फिर से हम फ्राई कर रहे हैं उसी तरह से, मसाला में मिला मिला के थोड़ा थोड़ा सा एक एक पीस करके डालते जाएंगे। तो ये हो चुका है चिकन फ्राई, अब इस पे चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ये घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं चाट मसाला, सलाद वगैरह में डाल के खाते हैं,
वही चाट मसाला अपन इसमें डालेंगे। डालेंगे हरा धनिया के बाद। इसको खा के आप देखिए, अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए। तो प्लीज़ आप ये इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, उसके बाद खाइए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।